लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के युवा नेता अमित ठाकरे के जन्मदिन पर आज नवम्बई मनसे ने 500 से अधिक जरूरतमंद नागरिकों को खाद्यान्न का वितरण किया। मनसे के नवम्बई जिला अध्यक्ष गजानन काले ने कहा कि आज लॉकडाउन और कोरोना के कारण जनता परेशान है, लेकिन उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। मनसे नेता ने कहा कि अपने युवा नेता के जन्मदिन पर खाद्यान्न का वितरण ऐसे जरूरतमंद नागरिकों को राहत देने की एक छोटी सी कोशिश है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई मनसे ने आज अपने युवा नेता अमित ठाकरे के जन्मदिन पर कई इलाकों में लोकोपयोगी कार्यक्रम चलाए। इस अवसर पर मनसे के मुख्य जनसंपर्क कार्यालय सीउड में सैकड़ों जरूरतमंद नागरिकों को खाद्यान्न और राशन किट बांटी गई। जिलाध्यक्ष गजानन काले के मार्गदर्शन में यहां सीउड, बेलापुर और नेरुल समेत कई इलाकों के गरीब और सामान्य नागरिकों को यह राशन किट वितरित की गई। जिलाध्यक्ष गजानन काले ने कहा कि हम अपने युवा नेता के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। आज लॉकडाउन और कोरोना के कारण जनता आर्थिक तंगी से परेशान है। ऐसे में मनसे की यह मदद नागरिकों को राहत देने की एक छोटी सी कोशिश है। तो अमित साहब का जन्मदिन है और काफ़ी उत्साह से हम लोग हर साल जो है कोई ना कोई तो सामाजिक उपक्रम लेके जाते ही है, लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है। कोविड के कारण काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है और इस कारण कुछ जो गोर गरीब है उनको एक थोड़ा आधार देने की कोशिश हम लोग इस धान्य वाटप के कार्यक्रम से कर रहे हैं। 500 लोगों को हम लोगों ने एक रेशन किट का वाटप किया। मनसे नेता ने इस दौरान राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार कोरोना मैनेजमेंट में पूरी तरह फेल हो गई है। न शिव भोजन थाली मिल रही है, न ऑक्सीजन और न ही दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन सरकार कहीं भी नजर नहीं आ रही। नाम की कोई चीज महाराष्ट्र और देश में है ऐसे फिलहाल मुझे ही नहीं तो लोगों को भी नहीं लग रहा है। जो भी चाहे वो शिव भोजन थाली का मुद्दा रहे या ऑक्सीजन बेड का मुद्दा रहे या इंजेक्शन का मुद्दा रहे, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, यही लोगों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।